पारा बढ़ने के साथ ही पालमपुर वनमंडल में अधिकतर जंगल धुंधुकर जलने लगे हैं। क्षेत्र के वन क्षेत्र जहां कुछ दिन पहले तक हरियाली नजर आती थी, आज वहां धरती काली और पेड़ सूखते दिखाई देने लगे हैं। कालूदीहट्टी मरंडा के करीब परौर सहित क्षेत्र के अधिकतर संस्थानों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वन विभाग ने खंड स्तर पर टीमों की तैनाती कर आग लगने की घटनाओं को काबू में रखने के प्रयास किए हैं, लेकिन जनता की सहभागिता न होने से ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। वन मंडल अधिकारी पालमपुर बीएस यादव कहते हैं कि पालमपुर क्षेत्र में मार्च माह में आग की दो घटनाएं सामने आई थी, जिससे करीब 11 हेक्टेयर रकबा प्रभावित हुआ था। अप्रैल माह में यह आंकड़ा बढ़कर 17 तक पहुंचा। मई माह में सूर्यदेव के प्रचंड होते ही आग लगने की घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ गया है। 23 मई तक क्षेत्र में आग लगने की कुल 72 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आग लगने की इन घटनाओं में वन संपदा व अन्य का करीब 3,75,000 रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। ये आग दो दिनों से तो नहीं लग रही है, इसमें मार्च से ही शुरू हो गई है। मार्च में हमारे दो इंस्टेंसेस हुए हैं, अप्रैल में 17 और इस महीने में 72। तो मार्च में हमारा जो है वो लगभग 11 हेक्टेयर जला था क्षेत्र, और उसमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। अप्रैल में 17 केसेस थे, 53.5 हेक्टेयर जो था नेचुरल फॉरेस्ट में आग लगी थी और 18 हेक्टेयर जो है वो हमारी प्लांटेशन जली थी। तो लगभग 71.50 हेक्टेयर एरिया जो है अप्रैल में आग से प्रभावित हुआ और लगभग 97,000 रुपये का लॉस जो है उसमें आंका गया था। और मई महीने में थोड़ी सी इसमें जो है आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है और लगभग 72 केसेस जो हैं अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं आज 23 तारीख तक। इसमें 316 हेक्टेयर जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट और 53.5 हेक्टेयर जो है वो प्लांटेशन जो है हमारी जली है, और इस तरह से टोटल जो है 385 हेक्टेयर एरिया जो है वो आग से प्रभावित हुआ है तथा इसमें लगभग 3,75,000 के करीब जो है वो लॉस आंका गया है। तो सर इसके लिए क्या क्या सावधानी बताइए, कितनी टीमें बनाई है, कितनी टीमें हमने यहाँ पे 5 रेंजेस हैं जिसमें 15 ब्लॉक हैं और हर एक ब्लॉक 5 रेंजेस में कंट्रोल रूम बनाए हैं जिसके नंबर जो है वो पब्लिक में, पंचायतों में और युवक मंडल, महिला मंडल को सर्कुलेट किए हैं। कुछ हमने फॉर्मेट भी पीछे अवेयरनेस कंपेन चलाया था तो लोगों से फॉर्मेट भी बनाए थे कि हम आग में सहयोग देंगे, उनके मोबाइल नंबर भी उसमें फॉर्मेट में थे और जैसा कि आपको विदित होगा। परंतु अब जो है जैसे ही किसी बीट में या किसी जंगल में आग लगती है तो हम उन नंबर्स को जब डायल करते हैं तो या तो नो रिप्लाई जाते हैं या तो बोलते हैं मैं कहीं बाहर हूँ, आई कांट कम टू द रेस्क्यू। तो इस तरह से थोड़ा सहयोग जो है जिस प्रकार से हमने जनता का मांग लेने की कोशिश की थी उतना जो है हमें सहयोग नहीं मिल पा रहा है। विभाग जो है इसमें रात दिन लगा हुआ है, तो अगर जनता का भी इसमें सहयोग मिलता तो हम इसको आगजनी की घटनाओं को थोड़ा कम नियंत्रित जल्दी कर सकते थे। सर कितनी टीमें और कितने वनकर्मी जो इसमें काम कर रहे हैं? इसमें हमारी 15 टीमें जो है वो ब्लॉक लेवल पे बनी है जिसमें 4-4 गार्ड हैं और करीब इतने ही हमारे वनकर्मी हैं, और वो जहां भी आग लगती है तो मेरा जो आदेश है उनको कि आप जो है इकट्ठे जाएं ताकि आग के ऊपर काबू किया जा सके। अगर एक एक आग पे एक एक आदमी जाएगा तो फिर वो आग न बुझ पाएगी न कंट्रोल होगी और कोई फायदा भी नहीं होगा इससे। तो इस तरह से हर एक जैसे तीन या चार बीटें एक ब्लॉक में होती हैं, अगर एक बीट में कहीं आग लगती है तब तो इट इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल, परंतु सभी जगह इकट्ठी आग लग जाए तो फिर कंट्रोल करना जो थोड़ा सा उसमें कठिनाई आ रही है।